हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर वन में तुम्हारे पास एक टेबल गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में तुम्हारे पास एक ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, एनथ टर्म निकालनी है। तो हमारे पास बच्चों एक फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। ए एन क्या है बच्चों? जो भी टर्म निकालनी है, ठीक है। एन इज़ दैट टर्म, ठीक। ए इज़ द फर्स्ट टर्म, ए तुम्हारे पास पहली टर्म आ गई। एन माइनस वन डी क्या है तुम्हारा? ये डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ए एन क्या हो जाएगा? ए तुम्हारे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, ए प्लस एन माइनस वन। एन क्या है? एट माइनस वन। डी क्या है तुम्हारे पास? थ्री है। तो ये हो जाएगा सेवन प्लस एट माइनस वन है सेवन इंटू थ्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेवन प्लस थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन, दिस इज़ इक्वल टू ट्वेंटी एट। तो यहाँ पे तुम्हारे पास nth टर्म आ गई 28, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। तो देखो बच्चों, सेकेंड पार्ट में क्या है? तो यहाँ पास a गिवन है n और nth टर्म गिवन है। यू हैव टू फाइंड आउट d। तो देखो मैं इसी फॉर्मूले से, है ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी से मैं इसका d फाइंड आउट करूँगी। ए एन क्या है? ज़ीरो है बच्चों। यहाँ पर ए क्या है? माइनस एटीन। एन क्या है? टेन, ठीक है। सॉरी, इसको टेन ही लिखो अभी। टेन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ये जो आएगा माइनस एटीन प्लस दिस इज़ नाइन डी, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो है, ये माइनस एटीन इधर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास, देखो ये इधर आके हो जाएगा माइनस एट, इधर आ जाएगा तो प्लस एटीन हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा नाइन डी, ठीक है। तो फिर d कितना हो जाएगा? 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। अब देखो यहाँ पर तुम्हें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a कितना हो जाएगा? पहले फॉर्मूला लिखो, a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। तो a n इज गिवन एज माइनस फाइव। a क्या है तुम्हें फाइंड आउट करना है। n क्या है? 18 माइनस वन। d क्या है तुम्हारे पास? माइनस थ्री है यहाँ पर। तो माइनस फाइव इज इक्वल टू ए प्लस, ये कितना हो जाएगा? 17 इंटू माइनस थ्री, ये हो जाएगा माइनस फाइव ए प्लस माइनस माइनस थ्री सेवन ज़ार ट्वेंटी वन, थ्री वन ज़ार थ्री फोर फाइव, ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा? माइनस फिफ्टीन। ए में इधर ही छोड़ो, माइनस फिफ्टीन इधर ले लो, है ना। तो ये हो जाएगा प्लस का 15 माइनस फाइव, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 46, ठीक है, क्लियर है। अब देखो फोर्थ पार्ट में क्या है तुम्हें? जो है एन निकालना है यहाँ पे। तो हमें फॉर्मूला क्या पता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू 3.6 इज इक्वल टू ए इज़ माइनस 18.9 प्लस एन निकालना है एन माइनस वन डी इज़ 2.5, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या करोगे, 3.6 को ऐसे ही छोड़ो, अच्छा इसको इधर ले लो, ये माइनस 18 है ना, तो यहाँ आके हो जाएगा प्लस का 18.9, दिस इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2.5। ऐड करो, ज़रा ऐड कैसे करते हैं बच्चों? देखो एडिशन का तरीका देखो, अगर 18.9 है तुम्हें उसमें ऐड करना है 3.6, तो क्या करो, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, प्लस करो या माइनस करो, ठीक है। 9 प्लस 6 इज 5, 15, 5 नीचे 1 ऊपर, ये हो जाएगा 9 और 3 इज 12, ठीक है 2, ये हो जाएगा 22.5 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2.5, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में मैं इधर लाऊंगी तो ये डिवीजन में हो जाएगा, है कि नहीं, ये डिवीजन में आ जाएगा। तो देखो अब ये चीज़ देखा करो, डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, नीचे भी डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों, इन दोनों डेसिमल को रिमूव कर सकती हूँ, है कि नहीं, ठीक। अब देखो 25 की टेबल में 9 5s are 45, 9 2s are 18, 22, ठीक है, 9 टाइम्स ही जाता है, तो मैं इसको 9 टाइम्स हटा दूंगी। तो ये 9 इज़ इक्वल टू एन माइनस वन आ गया, तो फिर 9 इज़ इक्वल टू एन माइनस वन का इधर आ जाएगा तो ये प्लस वन हो जाएगा, है ना। तो एन इज़ इक्वल टू 10, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में ए गिवन है, डी एन और ए एन निकालना है। फिर मैं फॉर्मूला लगाती हूँ, ए एन इज़ इक्वल टू ए, ए इज़ 3.5 प्लस एन माइनस वन, 105 माइनस वन इंटू डी, डी है तुम्हारा ज़ीरो, ये हो जाएगा 3.5 प्लस 104 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो,
तो ए एन आ जाएगा तुम्हारे पास 3.5। ठीक है, हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर वन। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर टू पर। अब देखो बच्चों, तुम्हें ये ए पी गिवन है, तुम्हें इसमें 30 टर्म निकालना है। हमारे पास ये फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पे चलो बच्चों, ए तो मेरे पास है फर्स्ट टर्म 10 हो गई, ठीक है। अब डी देखो, डी अगर तुम्हें निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव को सब्ट्रैक्ट कर दो, ए टू माइनस ए वन या ए थ्री माइनस ए टू, है ना। ए टू माइनस ए वन करती हूँ मैं, 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 3। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है, n गिवन है, n गिवन क्या है तुम्हें, 30th गिवन है टर्म, तो n जो है 30 हो गया। तो ए एन कैसे आ जाएगा, फॉर्मूले में रख दो a प्लस एन माइनस वन डी, सारी चीज़ आ गई तुम्हारे पास, ए एन इज 10, d हो गया माइनस 3, सॉरी n माइनस वन रखते हैं पहले, n माइनस वन इज 30 माइनस वन, डी इज माइनस 3 है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस, ये हो जाएगा 29 इंटू माइनस 3, तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस, 3 नाइन ज़ार 27, 3 टू ज़ार 6, 7 8। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो ज़रा सा, तो ये आ जाएगा 77 माइनस का, तो ए एन कितना आ गया, माइनस 77 जो है तुम्हारा सी है ना। ठीक है, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या है बच्चों, ये तुम्हारे पास अगेन एक ए पी गिवन है, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म है माइनस 3, तो ए माइनस 3 हो गया तुम्हारे पास, डी क्या होता है ए टू माइनस ए वन, क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस हाफ माइनस माइनस 3 हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस 3, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 6, ये हो जाएगा माइनस 5 बाय 2। अब देखो n क्या है यहाँ पर, क्योंकि तुम्हें 11th टर्म निकालनी है, तो n इज़ 11 हेयर, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में रख दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, 11 टर्म निकालना है तुम्हें, a कितना है माइनस 3, n इज 11 माइनस 1, d है तुम्हारे पास कितना आया माइनस 5 बाय 2, तो ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 10 इंटू माइनस 5 बाय 2, ठीक है, 2 फाइव ज़ार 10। ठीक, अभी देखो माइनस 3 माइनस 5 फाइव ज़ार 25, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, अच्छा सॉरी बच्चों देखो ये प्लस का 5 बाई 2 आएगा, है कि नहीं, तो ये प्लस का 5 बाई 2, 5 बाई 2 प्लस का, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 22। तो ए एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 22, आंसर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।